हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी स्टूडियो। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है हितेश मिश्रा, आपके सामने और भी दिख रहे हैं नमन सर, रोहित सर, आकांक्षा मैम, सारे लोग। और हम आपके सामने आए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके कि अभी जो है आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं लॉकडाउन में, घर में रह रह के बोर हो गए हैं, तो अभी क्यों ज़रूरी है ऑनलाइन स्टडी करना। तो फटाफट बहुत जल्दी आपसे हम बातें कर लेंगे और आपको चीज़ें समझा देंगे। नमन सर के पास चलना चाहेंगे कि क्या सर फ़ायदा क्या है ऑनलाइन का अभी आने का। सर, ऑनलाइन का फायदा यही है कि सारी चीजें ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रही हैं। हमने देखा काफी टाइम से लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, इंडिया के ओवरऑल लॉकडाउन चल ही रहा है और आगे पता नहीं ये चीजें कब तक सही हो। तो अगर हमारे सामने कभी भी प्रॉब्लम आती है तो हम बेटर की प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सॉल्यूशन पे फोकस करें। लॉकडाउन है सभी के लिए, खाली एक बंदे या दो बंदे के लिए नहीं है, लेकिन हम जो हमारे एस्पिरेंट हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें रुकना नहीं है, उन्हें पढ़ते रहना है। क्योंकि अगर जैसे लोग कहते हैं कि पेपर तब होगा कब होगा, मैं कह रहा हूँ पेपर कभी भी होता है, 6 महीने में, 1 साल में पेपर कभी भी होता है। हमें बस ये चाहिए, हमें एक सीट चाहिए, जब भी पेपर होगा मैं उस पेपर के लिए तैयार हूँ, एक फाइट मारूंगा, मेरा पेपर क्लियर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कह दी सर ने, तो बहुत अच्छी बात कह दी। और यहाँ पर अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो हम आकांक्षा मैम से जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन का फायदा बच्चे कैसे उठा सकते हैं। मैम मतलब सर, लॉकडाउन चल रहा है और बच्चे बहुत मतलब परेशान हैं और इस चीज़ को ना निगलेक्ट भी कर रहे हैं कि कुछ बच्चे सो रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो पर ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, बच्चों सब लोग, ठीक है। एक तो मैं स्वागत करूंगी सब लोगों का यहाँ पे पहले तो, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पढ़िए। और जो दूसरा आदमी ना ये समझ के सोया पड़ा है अब तक कि भाई एग्जाम आगे पोस्टपोन हो जाएंगे, एग्जाम नहीं होंगे, बाद में पढ़ लेंगे, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और लोगों से आगे निकलने की और एक जॉब को अपने लिए, एक जॉब को सिक्योर कर लेने की। रोहित सर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे बिल्कुल, अभी कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि बिल्कुल मतलब गहरी निंद्रा में है कि कब जब लॉकडाउन छटेगा और मैं जहां पढ़ता था ऑफलाइन में वहां जाऊंगा, क्या गारंटी है सर कि वो कोचिंग खुलेगा? क्योंकि जैसा कि सामने देख पा रहे स्क्रीन पे, बिल्कुल गवर्नमेंट ने 3 जोन में बांट दिया है। और अगर आपका क्षेत्र भगवान ना करे कि रेड जोन में हो तो मतलब लंबी छुट्टी के लिए आप चले गए, ना आप ऑनलाइन पढ़ पाए ना ऑफलाइन पढ़ पाए। कहते हैं सर, ना माया मिली ना राम, ना इधर रहे ना उधर गिरे। बिल्कुल, तो अभी जैसे आप जानते हो कि बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, तो ये रेड जोन वाले और ऑरेंज जोन वाले, जैसे हम तो भाई दिल्ली में हैं अभी सारे लोग, मैम मेरठ में, वहां भी कुछ हाल ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी अभी जो भी है, जैसे दिल्ली है या गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, यूपी का आगरा है, या जो भी जगह है जहां पर ज्यादा चीजें आ रही है, वहां पर तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो अभी आप ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़िए, ऑनलाइन पूरी तरह से शिफ्ट होइए। तो हम ऑनलाइन में कैसे आपको फायदा पहुंचा रहे हैं इस लॉकडाउन में, आप देख रहे हो कोचिंग की स्थिति कि ताला इस तरह से लगा हुआ है कि अभी ये कब खुलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है। सभी लोग इस वजह से आप मत सोचते रहिए कि भाई खुलेगा, चले जाएंगे, एडमिशन लिए थे उस पैसे का क्या करें, ये सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, नहीं तो फिर आप परेशान होते रह जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग आपको फायदा कहाँ पहुंचा रहे हैं, तो हम लोग आपको फायदा पहुंचा रहे हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर हम जब आपको फायदा पहुंचाएंगे तो उसके लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको। प्रोसेस ये है कि आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा सारे बच्चों को। जैसे आप देख पा रहे हैं हमें हितेश मिश्रा, नमन अग्रवाल, रोहित कुमार, आकांक्षा कुमार, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं, नमन सर मैथ पढ़ाते हैं, रोहित सर जीके जीएस और आकांक्षा मैम इंग्लिश पढ़ाते हैं आपको। तो सभी लोग जो है आप एक साथ सबको फॉलो कर लें। शेड्यूल्ड वे में क्लास होता है, क्लास की शेड्यूल भी आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे। जो यहाँ पर शेड्यूल है वो इस तरह से है, आकांक्षा मैम इसको डिलीवर कर दीजिए कि शेड्यूल क्या है। भाई ये स्पेशल क्लासेस का शेड्यूल है, 8 से 9 हितेश सर क्लास लेते हैं। जैसे आपको पता ही, अगर रीजनिंग के लिए आपको परफेक्ट होना है तो हितेश सर के साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। और जीएस बाबा को तो कौन नहीं जानता, मतलब ये समझ लो कि जीएस का एक ही समाधान है, रोहित सर। और अगर हम नमन सर की बात करें तो ये तो जादूगर माने जाते हैं मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स के। तो 10 से 11 नमन सर पढ़ाएंगे और मेरे साथ आप शाम को पढ़ सकते हो 5 से 6। देखो मैम को, मैम अपने बारे में बताइए ना अभी फिलहाल सर, अब अपने बारे में बताइए, अभी आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी बता दो बच्चों। यूपीएससी क्लासेस भी ले रही हूँ मैं, और मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे पास भी 10 सालों का, तो मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी। हम चारों इवन आपकी हेल्प करेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ने में, और सारी चीजें बिल्कुल थॉरली क्लियरली आपको समझाएंगे, जिससे बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे आगे आने वाले एग्जाम्स के। तो डेली क्लास इस पर तो हो ही रहा है, लेकिन इस पर क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको डाउट नहीं मिल पाएगा फ्री वाले में, तो डाउट लेना है या वीकली टेस्ट देना है, रैंक पाना है, इसके लिए एक और आपके पास ऑप्शन है, दैट इज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन।
अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों जरूरी है बच्चों के लिए, मैं चार चीजों को समझाता हूँ। सबसे पहले समझो, सबसे पहला चीज, बच्चों को डाउट होता है ना वो YouTube पर क्लियर कर पा रहे हैं आप, ना तो फ्री वाले सेशन में कर पा रहे हैं आप। यहाँ पर डाउट अगर रह गया तो आपके मन में हीन भावना आ जाता है, यार मेरे से तो मैथ्स का ना एवरेज या टाइम एंड डिस्टेंस बनता ही नहीं है, हमें बहुत परेशानी होती है रीजनिंग में, मैं पजल में बहुत परेशान हो जाता हूँ, ये डाउट ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आपको डाउट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाला है। इसके अलावा तरीके से चीजें होंगी, सबसे पहले आपको कोर्स कंप्लीट करवाएंगे बेसिक टू हाई, उसके बाद आपको हम यहाँ पर क्या करवाते हैं पीवाईपी की, किस प्रकार की चीजें आ रही हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाएंगे, टेस्ट सीरीज हमारा चलता है, बहुत सारा ऐसा फायदा वाला चीज आएगा बीच बीच में जो आपको लगेगा यार मैं तो कोर्स लेट से ज्वाइन किया मतलब हमने अपना नुकसान किया है। तो ये चीजें जो है आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में पाने वाले हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले करो इसको इंस्टॉल लर्निंग ऐप को, उसके बाद इसको करो ओपन, मोबाइल नंबर भर के करो लॉगिन, तीन काम। सुनिए फिर से, सबसे पहले इंस्टॉल करिए लर्निंग ऐप, ओपन करिए और मोबाइल नंबर भर के लॉगिन कर लीजिए। यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आपको बोलता है भैया हमारे साथ यहां पर तुम जो है वो क्यों आए हो, तुम्हारा काम क्या है? तो यहां पर आप बोलोगे ऐसा है कि मेरा गोल है SSC और हमें लेना है सब्सक्रिप्शन। हमारा गोल है SSC और हमें क्या लेना है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्योंकि गोल तो एक डिसाइड करना जरूरी है, गोल आपका SSC है, तो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते हैं, अब आपको पूछा जाता है कि भाई साहब कितने दिन के लिए आप जुड़ोगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो है हमारे साथ कितने दिनों के लिए जुड़ेंगे। नमन सर, बच्चों को कितने दिन के लिए जुड़ना चाहिए ताकि वो हमारे साथ सही तरीके से नौकरी पा सकते हैं और सरकारी नौकरी की तरफ उनका कदम पक्का बढ़ जाएगा? सर मेरे अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स अगर जुड़ते हैं हमारे साइड, अगर एक साल के लिए जुड़ते हैं तो एक साल की कोर्स की फीस है 6,000 रुपए। बिल्कुल, लेकिन अगर आप रेफरल कोड लगाएंगे SSC एग्जाम तो 5400 रुपए पड़ेगा सर। 6,000 वैसे रेफरल कोड लगाएंगे SSC एग्जाम तो 5400 का पड़ेगा। अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था सर, पैसे फीस बहुत है मेरे दोस्त, अगर 5400 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो 450 रुपए एक महीना के। अगर 450 रुपए एक महीने की बात करें सर, अगर आप कहीं आते जाते हैं या फिर कहीं आप खाने पीने खाने जाते हैं, एक शर्ट या दो शर्ट भी ले लेते हैं तो 450 रुपए तो उसमें चले जाते हैं सर। और ये आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, 5400 रुपए आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। जब आपकी पहली नौकरी लगेगी तो ये हार्डली जो आपकी सैलरी आएगी उसका 10 या 20% होगा। तो अपने ऊपर किया हुआ इन्वेस्टमेंट कभी खराब नहीं होता। अभी मैं बात करता हूँ, सपोज कोई स्टूडेंट है जिसने 12th करा है, जिसके फर्स्ट ईयर में, अगर वो 24 महीने के लिए जुड़ता है तो उसकी फीस जो है 7200 है। फिर वही अगर ये पड़ेगी 6480 रुपए, कैसे रेफरल कोड लाएंगे SSC एग्जाम। तो जो को लगता है कि यार मैंने भी शुरू करा है, मुझे बेसिक वगैरह कुछ नहीं पता, मुझे SSC का S भी नहीं पता, तो रेफरल कोड लगाना SSC एग्जाम, हमारे साथ जुड़ो। 24 महीने के लिए जुड़ सकते हो या 12 महीने के लिए जुड़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। 6 months का मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आप प्री दोगे, फिर मेंस दोगे, फिर टीयर 3 की भी तैयारी करोगे, MTS को होगा या फिर आप CHSL का होगा, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करोगे, CPO में Paper 2 की तैयारी करोगे, इंग्लिश 200 नंबर की आती है, तो तब तक 6 महीने निकल जाते हैं पता नहीं चलता। 1 साल या 2 साल के लिए आप जुड़ोगे तो आपके लिए वो बेस्ट रहता है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सर ने समझा दिया, 1 साल वाले जो बच्चे हैं वो क्यों लें और 2 साल वाले बच्चे तो हैं वो क्यों लें, 2 साल वाले जो हैं वो लास्ट ईयर वाले ले सकते हैं। अब यहाँ पर पेमेंट जब आप करने जाएंगे तो बोलेगा पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, भीम, UPI कैसे भी कर सकते हो डियर फ्रेंड्स। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप SSC एग्जाम रेफरल कोड लगाते हैं अप्लाई जरूर करिएगा, अप्लाई जब करेंगे तो 10% का डिस्काउंट हो जाएगा और सारा आप SSC एग्जाम लगाने के बाद अप्लाई करके जब आगे बढ़ेंगे पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए जो अपना बैच आ रहा है ये 4 मई से आ रहा है और धुआंधार तरीके से आपको हम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK, करंट अफेयर्स, GS कंप्लीट करवाएंगे। ये हमारी गारंटी है, अस्योरिटी है, जो मान लो वो है। तो हमें लगता है कि इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि जी हाँ सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि लैपटॉप में कैसे चलेगा, unacademy.com ओपन करेंगे तो लैपटॉप में भी चल जाएगा, unacademy.com। हाँ सर ठीक है, तो ये चीजें थी कुल मिलाकर। और बेस्ट टीम को ज्वाइन करिए, नौकरी लीजिए, अपने सफलता की ओर बढ़िए, हम आपके साथ हैं, डेली कुछ ना कुछ आपको बताने हम जुड़ते रहते हैं, फ्री पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं और बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है सब्सक्रिप्शन पर भी हैं। लेकिन मेन मुद्दा समझिए, एक जगह पर तरीके से सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे, तो जुड़िए, देरी मत कीजिए, 4 मई दूर नहीं है, साथ में आपका जो ऑनगोइंग कोर्सेस हैं वो भी मिलेगा आपको अभी, तो देर मत कीजिए, आज ही जुड़ जाइए, नई नई चीजें होती रहती हैं वहां पर, बहुत फायदा होने वाला है। मुझे लगता है सर ये क्लियर है सब कुछ? हाँ
बिल्कुल, तो ठीक आई है थिंक फिर सर क्लियर है सब ये। जी, तो जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी पर और अपने सफलता की उड़ान को एक पंख दीजिए। आकांक्षा मैम चलते हैं फिर। हाँ जी सर बिल्कुल, बस सब बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कि बच्चे एक अच्छा डिसीजन लेंगे अपनी जिंदगी के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, तो भाई एक अच्छी तरीके से अगर आपको पढ़ाई करनी है तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छी टीम के साथ जुड़ जाना है। तो हम ये अश्योरिटी देते हैं, हमसे अच्छे गाइड करने वाले मेंटर आपको नहीं मिलेंगे। चलिए बहुत बड़ी बात कह दी मैम ने, तो रोहित सर चलते हैं फिर। रोहित सर का भी क्लास है, नमन सर का भी क्लास है, थैंक यू सर आप लोगों ने टाइम दिया, और हम माफी चाहेंगे आपके जो क्लास वाले बच्चे हैं सभी से। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन आर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।